कोरबा के जिला जेल में लगभग 3 दशक से कर्तव्य निभा रहे जेल प्रहरी लक्ष्मी राम यादव का चयन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। उन्हें सुधारात्मक प्रयासों के लिए यह अवार्ड प्राप्त होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा उनके नाम का चयन करने के साथ इस बारे में सूचना दी गई। यह खबर मिलने से जेल प्रहरी के साथ साथ जेल स्टाफ काफी खुश है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार अपने कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा सम्मान प्रदान करती है। प्रेसिडेंट अवार्ड इसी में शामिल है। कोरबा के जिला जेल में गेट पर ड्यूटी करने वाले प्रहरी लक्ष्मी राम यादव को आगामी दिनों में प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त होना है। निर्विवाद और निष्ठावान सेवा के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए पात्र माना गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले के निवासी लक्ष्मी राम काफी समय से जेल विभाग की सेवा में हैं। हर समय काम के प्रति सजग रहने वाले यादव ने बताया कि कर्तव्य और ईमानदारी उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना है। दोस्तों, जब जिला साहब खोल के देखे तो बोले कि आप अपने अवार्ड के लिए चयन किया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार। तो मैंने कहा ठीक सर, आपकी भी सराहनीय योगदान है। दूसरा प्रयास हमारे सभी भाइयों का, जेल परिवार तभी मिल पाई हम देते हैं। वो हमसे बनता है, जितना बन पाता है वो करते रहते हैं। जिस वक्त जरूरत पड़ गया जेल को कि हाँ यहाँ आप ये काम में जाना है, चाहे ड्यूटी करके गए हों चाहे ना कर रहे हों, बुलावा आया यानी तत्काल पहुँचते हैं। जेल प्रहरी ने बताया कि वे पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, इसलिए अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे चुनौती कहा जा सके। ऐसे तो कोई घटना ईश्वर की कृपा से अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है, बाकी जेल में तो हुआ है, पर संयोगवश मैं बाहर रहा हूँ। उस वक्त जब घटना हुई है यहाँ, तब मैं बाहर रहा हूँ। जेल प्रबंधन के अनुसार लक्ष्मी राम यादव का अब तक का पूरा कार्यकाल बेहतर सेवा के साथ साथ जेल में सुधारात्मक प्रयासों को समर्पित रहा है। उनकी सेवा पुस्तिका में किसी भी तरह की विपरीत टिप्पणी नहीं है। ये 1989 से सेवारत है जेल विभाग में, और एक लंबा कार्यकाल है जिसके तहत इन्होंने बहुत ही सुधारात्मक कार्य किए। बंदियों को उनको सुधारात्मक लक्ष्य देके उसे पूरा करवाया, और बहुत ही साफ सुथरा जीवन रहा जेल के काल कोठरी होने के बाद। नहीं, उनके सर्विस बुक में आज तक कहीं भी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, ना ही उन्हें कभी नोटिस मिला है इतने लंबे कार्यकाल के बाद। हाँ, समय से पहले ही आ जाते हैं और जब भी जो कार्य होता है उसे पूरा करते हैं। साथ ही साथ उनकी जो ड्यूटी है वो गेट में है, और गेट में ड्यूटी एक बहुत ही मजबूत ड्यूटी जेल की मानी जाती है। पूरी जेल की सुरक्षा गेट पर निर्भर करती है और अपने कार्य को वो बखूबी निभाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होने वाले सम्मान और पुरस्कार के लिए सरकार ने पैरामीटर्स बना रखे हैं, और कई औपचारिकताओं के साथ श्रेष्ठ कर्मियों का नामांकन इसके लिए किया जाता है। जेल प्रबंधन को विश्वास है कि पुरस्कार प्राप्त होने पर कर्मियों के भीतर मनोबल में बढ़ोतरी होती है और वे दूसरों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।